मेरे दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए 50 मार्क का हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, देखिए पहला क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? बेगूसराय में हुआ था। दियावली किनकी रचना है? रहीम की रचना है। छायावाद की कितने आधार स्तंभ माने जाते हैं? 4। कवि व रविन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म कब हुआ था? 1861 ईस्वी में। जल का लिंग निर्णय करें, जल पुल्लिंग है, जल खड़ा होता है। छात्रावास का लिंग निर्णय करें, छात्रावास पुल्लिंग है। जीवन शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? जीवन का होता है मरण होता है। उसके बाद आते हैं 8 नंबर में, सूर्य का पर्यायवाची शब्द लिखें। सूर्य को हम दिनेश बोलते हैं, दिवाकर बोलते हैं, दिनकर बोलते हैं, आदित्य बोलते हैं। गुरु उपदेश का संधि उच्चित करें, गुरु जो उपदेश, गुरु उपदेश हो गया। घी के दिए जलाना, मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करें, आनंद मनाना। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है। आप लोग तैयारी कर लीजिए, ठीक है, तब को बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम में, हिंदी के एग्जाम में अच्छा नंबर आने की संभावना है। जैसे भावार्थ पूछता है, ये जीवन क्या है? निजर है, मस्ती इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा मनमानी है। इस टाइप से आपको भावार्थ आ सकता है एग्जाम में। भावार्थ पूछता है 5 मार्क का, 5 मार्क का आपको भावार्थ पूछेगा। उसके बाद सारांश भी पूछ सकता है आपको महादेव वर्मा पे। ये तो BBI क्वेश्चन है, 11 से लेके 15 तक आपको BBI क्वेश्चन है। महादेव वर्मा लिखित गोरा शीर्षक रेखांकित का सारांश लिखिए। सुमित्रानंद पंत की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। उसके बाद हम आते हैं 14 नंबर में, निलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखिए। इसमें आपको 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखना पड़ेगा आपको, तब आपको जाके 5 मार्क नंबर मिलेगा। ऐसा कि हम लोग बिहार बोर्ड में देखते हैं तो फुल में फुल नंबर नहीं मिलता है, ये CBSE बोर्ड में हम देखते हैं 5 नंबर मिल सकता है। तो ये बिहार बोर्ड में अगर राइटिंग बिठा कर लिखेंगे तो 4 नंबर मिलेगा, 5 में 4 नंबर मिलेगा। अब आते हैं हम 15वें क्वेश्चन में आते हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर दें। गोरा किस लेखिका के गायक का नाम है? तो गोरा हो गया महादेवी वर्मा के गायक का नाम है। मंगर शीर्षक सब चित्र के लेखक कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी हो गया। पंच परमेश्वर कहानी की रचनाकार कौन है? प्रेमचंद है, ठीक है। ये वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए। इस वीडियो में आपको 33 मार्क का करवाया गया, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम दोबारा अगला वीडियो में लाएंगे, ठीक है। ये वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हम अगला वीडियो लाएंगे, अगले दिन लाएंगे, ठीक है। थैंक यू।